किशन भाइयों, आपने थंबनेल को देखकर वीडियो पर क्लिक किया है और इस वीडियो में आपको किस प्रकार 3 गाय पर 1,22,000 रुपए का लोन भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों के किसान एवं पशुपालकों को दिया जा रहा है। सबसे बढ़िया बात है इस लोन की कि आपको इसकी लोन के अंतर्गत कोई भी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा, यानी 0% ब्याज पर आपको 3 गायों पर 1,22,000 रुपए तक का लोन आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और ये योजना अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, एमपी जैसे राज्यों में सरकार की ओर से चलाई जा रही है। तो सभी राज्यों के जितने भी पशुपालक किसान है वो सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि 3 गायों पर 1,22,000 रुपए का लोन किस प्रकार सरकार दे रही है और 1 गाय पर आपको कितना लोन दिया जाएगा। तो आपको बता दे किसान भाइयों, अगर आप कोई भी प्रकार का पशुपालक या डेयरी विभाग में कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, यानी अगर आप डेयरी विभाग में पशुपालन व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, तो भारत सरकार 1 गाय पर 40,642 रुपए का लोन दे रही है। यानी 1 गाय पर आपको 40,642 रुपए का लोन देती है, तो 3 गाय पर लगभग 1,22,000 रुपए के अमाउंट होता है। और ये लोन आप किसी भी बैंक शाखा में ले सकते हैं और ये लोन उसी बैंक में दिया जाएगा जहां पर आपने पहले से बैंक अकाउंट खुलवाया है। ध्यान रखें किसान भाइयों, अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक या HDFC बैंक में लोन खुलवाया है, यानी बैंक अकाउंट खुलवाया है, तो आपको उसी बैंक में जाकर पशु लोन लेना होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल में और लोन लेना चाहते हैं HDFC में, तो फिर आपको लोन नहीं दिया जाएगा। इस लोन में आपको अलग अलग किस्तों में पैसा राशि, इस लोन राशि को वापिस चुकता करना होगा। लोन की अमाउंट राशि, टोटल राशि को धीरे धीरे जमा करवाना होगा। केवल आपको ब्याज में छूट दी गई है। सरकार ने कहा है कि कोई भी पशुपालक अगर गाय, भैंस या बकरी जैसे पशुओं पर लोन लेना चाहते हैं, तो उस किसान से किसी भी प्रकार का लोन की इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर नहीं लेनी है। सरकार की ओर से किसानों के लिए एकदम फ्री योजना रखी है। तो ज्यादा से ज्यादा किसान अपने पशुपालन व्यवसाय पर ज्यादा फोकस रखें, अपने व्यवसाय को शुरू करें, ताकि देश में रोजगार एवं स्किल के जितने भी सब रोजगार के संसाधन है उनमें विकास हो। देश की उन्नति में सबसे ज्यादा योगदान किसानों का रहता है और किसान सबसे ज्यादा बेरोजगार है, और ऐसे में प्रत्येक किसान अपने स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों, गाय, भैंस, बकरी, पशुपालन व्यवसाय से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो में कोई भी प्रकार की त्रुटि है तो आप हमें क्षमा कीजिए, कमेंट करके बताएं। हम आपको अगले वीडियो में इस वीडियो में सुधार करके नए प्रक्रिया से एक नए वीडियो की शुरुआत आपके साथ पेश करेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।